इस प्रेस वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी, जो कि हमारा नमामि गंगे जो कार्यक्रम है भाजपा का, उसके कन्वीनर भी हैं, ये आपसे कुछ बात करेंगे। मेरे साथ दाईं ओर हमारी तभी आंदोलन की महिला प्रमुख श्रीमती वीना बख्शी जी हैं। हर साल नवरात्रों से पहले हम आपके माध्यम से बीजेपी की ओर से सभी को अपील करते हैं कि नवरात्रों में जब हम साख माता की पूजा करते हैं 7 दिन, कभी 9 दिन, तो अंत में उनका प्रवाह करते हैं जल के अंदर। जब जल में प्रवाह होता है तो इस तरीके से प्रवाह होना चाहिए कि हमारी वाटर बॉडी जो है वो ख़राब ना हो जाएं। ये तो साख माता पवित्र है, लेकिन कई लोग उसके साथ ही पॉलीथीन बैग, शीशे के यूटेंसिल्स और कई बार तो वो फ्रेम की भी फ़ोटो भी डाल देते हैं जिसमें शीशा और कील वगैरह पानी में चले जाते हैं। तो आजकल नदियों में पानी कम है, तो साख माता प्रवाते हुए हमें केवल साख जो है, जो हमने भीजी थी, उतनी ही प्रवाहित करें, और नॉन डिग्रेडेबल या जो गलनशील वस्तुएं हैं वो नहीं डालें पानी के अंदर, और केवल और जो मिट्टी के प्याले लाते हैं उनको घरों में ले जाएं, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी के लिए रखें। लेकिन इस बार एक दूसरी बात कहने की ज़रूरत है, दूसरा विषय है कि तवी के अंदर स्मार्ट सिटी वाले जो झील बना रहे हैं उसके कारण तवी के अंदर जो जल की धारा है वो 2-3 जगह ने बदली है और इस वक्त केंद्र से जा रही है, और इस तरफ जहाँ लोग साख माता प्रवाहते थे विक्रम चौक की ओर से, वहाँ से पानी तक पहुँचना बड़ा कठिन है। तो मैं समय रहते यहाँ के प्रशासन को कहना चाहूँगा, अभी 10-12 दिन का समय है, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था करके किनारे पे पानी आ जाए ताकि लोगों को सुविधा से वो जल प्रवाहित किया जा सके। हर बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लाइज़, तभी आंदोलन के वॉलंटियर्स और यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आते हैं जो वहाँ पे लोगों को परस्यू करते हैं कि वो पानी में केवल साख माता ही प्रवाहें और बाकी मटेरियल जो है उसको सेग्रीगेट करके अलग से उसका डिस्पोजल होता है। तो एक बार फिर मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को याद कराऊँगा। इसके साथ ही तभी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। बड़ी तेज़ी से झील बनने का काम हो रहा है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने व्यक्तिगत इनिशिएटिव लिया है, और नाले भी जो हैं वो STP से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी रह रही हैं जिससे हमें लगता नहीं है कि तभी का पानी जैसा जम्मू के लोग उम्मीद करते हैं उतना स्वच्छ हो जाएगा। जैसे नगरोटा से बाईपास की तरफ अंदर आए हम, तो वहाँ बिल्कुल किनारे तभी के एक इलीगल सेटलमेंट है, जिन्होंने किसी ने फ्लश लैट्रिन और सेप्टिक टैंक नहीं बनाए हुए हैं। सारे घरों का जो फिल्थ है सारी सारी तभी के अंदर आती है, और आपको ये पता है कि पाई तीर्थी में वही पानी साफ़ करके जम्मू शहर के अंदर पीने को दिया जा रहा है, और साफ़ करने का तरीका वही पुराना है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर वो फिल्दी वाटर भी आता रहा, और जो पाई तीर्थी में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने एक मल्टी लेयर पार्किंग बनाई है, वो पूरी पहाड़ी का पूरा मलबा 2000 ट्रक तभी में डाल दिया गया है, गैर कानूनी है, उसके लिए केस भी चल रहे हैं, तो वो मलबा भी वहाँ से जब तक रिमूव नहीं होगा तो जो झील में पानी आएगा वो सारा कीचड़ भरा और गंदगी भरा पानी होगा, और उस झील में कोई नहीं उतर पाएगा। लोगों को हम ये भी अपील करेंगे कि झील तो बनी रही है, जो घरों का कूड़ा पॉलीथीन बैग में डाल के हम बीच में डालते हैं, हम ना डालें। वो कौन सी झील होगी जिसमें पॉलीथीन बैग तैयार होंगे, जिसमें मड्डी वाटर होगा, फिल्दी वाटर होगा, तो कोई टूरिस्ट में आएगा नहीं। तो मैं आपके माध्यम से नवरात्रों के अवसर पर, खासकर किस अवसर पर, क्योंकि जम्मू में नवरात्रों का बड़ा महत्व है और हमारी जो धार्मिक परंपरा है तभी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो तभी हमको पवित्र और साफ पानी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को प्रयास करना पड़ेगा। 2-3 पहले तक तो नहर भी बंद थी, और हमें यह लगता था कि साख प्रवाह करने के लिए कोई जल स्थान है ही नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले पानी छोड़ा है, थोड़ा सा पानी छोड़ा है। जब थोड़े पानी में इतनी बड़ी मात्रा में साख प्रवाहित की जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और दुर्भाग्य से नहर का जो पानी छोड़ा गया उसमें भी डिसिल्टिंग जो चल रही थी इरीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से, डिसिल्टिंग कम्प्लीट नहीं की गई है, पहले ही पानी छोड़ दिया गया है। इससे क्या होता है कि डिसिल्टिंग के लिए जो पैसा सरकार ने खर्च किया वो खुर्द फुर्द हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता किस ठेकेदार ने कितना काम किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसकी इंक्वायरी हो और नहर में पूरा पानी आ जाए, और यहाँ तभी में भी धारा जो है किनारे पर लाई जाए ताकि लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ आती हैं साख परवाने के लिए, कोई सुविधा हो। तभी के अंदर इलीगल सेटलमेंट जो हुई है तभी के आगे जाके चौथे पुल के आगे, उनको हटाने के लिए सरकार ने 2-3 बार प्रयास किया था। अब क्योंकि LG गवर्नमेंट है और उम्मीद कर रहे हैं कि सख्ती से काम करेंगे, वो जो नजायज़ कब्जे वहाँ हुए हैं वो तभी बेसिन के अंदर वो हटाए जाना चाहिए। थैंक यू।